नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। अपनों पर सितम, गैरों पर रहम, कब तक रहेगा कांग्रेस का यही हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन का खास प्रोग्राम, कब तक रहेगा अपनों पर सितम, गैरों पर रहम। राजस्थान में सियासी भूचाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2018 के बाद से 2021 का जून चल रहा है, ढाई वर्ष राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता हाथ लगे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सियासी अंतरकलह रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार सियासी अंतरकलहों का दौर राजस्थान प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सियासी अंतरकलहों की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार गवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मात्र डेढ़ वर्ष में इन्होंने सत्ता अपने हाथ से गवा दी, लेकिन राजस्थान में ना तो सत्ता गवा पा रहे और ना ही सियासी अंतरकलह को समाप्त कर पा रहे। सचिन पायलट खेमे के विधायक अलग बयानबाजी कर रहे, तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के खेमे के विधायक अलग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर जो मेहनत की उसका परिणाम सामने नहीं मिल रहा है। कल से मैं लगातार देख रहा हूं, पायलट आ रहा है नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, यानी पायलट आ रहा है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पायलट आएगा, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एक दिन ऐसा फैसला करेगी सचिन पायलट को न्याय मिलेगा, ऐसा प्रदेश में हो सकता है। ये कार्यकर्ताओं की मंशा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन दिनों छह बसपा से आए विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने इस पेड़ को सींचा है, उन पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस को खड़ी करने में अपना तन मन धन अर्पित कर दिया है। बसपा से आए विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं। 13 निर्दलीय विधायक आज एक निजी होटल में, जो RTDC होटल है, उसमें मीटिंग कर रहे हैं, उसमें एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि यू टर्न कैसे लेना है, सचिन पायलट को कैसे खत्म करना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सचिन पायलट के विधायक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो सचिन पायलट खेमे के हैं वो बता रहे हैं, दर दर जाकर बता रहे हैं, प्रदेश की जनता को बता रहे हैं, कार्यकर्ता को बता रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन वही विधायक रामकेश मीणा जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया है उनकी राजनीति में। बता दूं कि वर्ष 2008 में वो बसपा से थे, वर्ष 2013 में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, और वर्ष 2018 में जब वो चुनाव लड़े हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, वहां से राजेश अग्रवाल को कांग्रेस का टिकट मिला था। कांग्रेस का इन 13 जगहों से जो टिकट मिला है, जिन पर पार्टी ने विश्वास किया है, उनको कांग्रेस के सिंबल को जिसने हराया है, यानी जिन 13 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उन विधानसभा क्षेत्रों में जिन निर्दलियों ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है, कांग्रेस के प्रत्याशी का दुष्प्रचार किया है, उन कांग्रेस की खामियां बाजार में गिनाई है, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनको अब तवज्जो दी जाएगी। यानी अपनों पर सितम, गैरों पर रहम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए मेहनत नहीं की, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, अब उनको तवज्जो दी जाएगी, यानी निर्दलियों को लिया जाएगा। यही हाल बसपा विधायकों का है, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। 6 जगह वो हैं और 13 जगह ये हैं, ऐसे करके 13 जगह निर्दलीय और 6 जगह बसपा विधायक मिलकर अगर उन्हें कांग्रेस में लिया जा रहा है, तो वहां पार्टी के कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं मिल रही है, वहां पार्टी से जिसने सिंबल लिया है उसको तवज्जो नहीं मिल रही है, जिसने पार्टी का घर घर जाकर प्रचार किया है उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है। माना सचिन पायलट को तवज्जो मत दो, लेकिन कार्यकर्ता को खत्म मत करो। अगर कार्यकर्ता को खत्म किया तो एक दिन कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर सोनिया गांधी को भी एक लेटर जारी किया गया है। लेटर में यह कहा गया है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं, कांग्रेस को हराने वाले को तवज्जो यहां दी जा रही है। यही अशोक गहलोत का शासनकाल है। सचिन पायलट राजस्थान के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें यह कहा गया कि बाहरी हैं। सचिन पायलट ने लगातार प्रदेश के लिए, राजेश पायलट से लेकर सचिन पायलट तक 42 वर्ष का जो संघर्ष है, उस व्यक्ति को आप बाहरी कह रहे हो। 3 वर्ष की उम्र में सचिन पायलट राजस्थान आए थे। जब 3 वर्ष का व्यक्ति राजनीति क्या जानेगा, 3 वर्ष का व्यक्ति एक माँ बोलना भी नहीं जानता है। कहते हैं 5 वर्ष जिस प्रदेश में रह लेते हैं उसे उस प्रदेश की नागरिकता दी जा चुकी होती है, लेकिन सचिन पायलट को अब रामकेश मीणा, जो लगातार आज तक कांग्रेस की बुराई कर रहे थे, वो अब कांग्रेस के पक्ष का होने का कहकर सचिन पायलट को बाहर ही कह रहे हैं। ये कौन सा एक न्याय आया। मरुधर बुलेटिन लगातार आपको सच दिखाता नजर आ रहा है, लेकिन अब ये जरूर कह दूं कि वक्त आ चुका है न्याय का, कांग्रेस को संभलने का।
अगर अब कांग्रेस नहीं संभली तो आने वाले 2.5 साल बाद कांग्रेस का वही हाल हो सकता है जो हाल अशोक गहलोत ने 2013 में छोड़ा था। 2013 में जब सत्ता गिरी थी उस समय 107 विधायक बसपा के मिलाकर कांग्रेस खेमे में थे, लेकिन अशोक गहलोत ने जब सत्ता छोड़ी तो मात्र 21 विधायकों के हाथ में सत्ता छोड़ी थी। सचिन पायलट ने उसी पेड़ को सींचा, घर घर जाकर मेहनत की, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, जोश दिया, जुनून दिया, हौसला दिया और उसको 100 के पार छोड़ दिया। लेकिन वो व्यक्ति आज भी खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा है। ऐसा तो नहीं कि अब उस व्यक्ति को हम बाहर ही कह दें जिसके नाम पर प्रदेश में सत्ता आई हो। लगातार एक पोस्ट पायलट आ रहा है, सोशल मीडिया ट्रेंड कर चुका हो, 200 के से ऊपर उसकी ही पोस्ट पहुंच चुकी हो, उस नेता को आप बाहर ही नहीं कह सकते। उसके जैसे ही बाहर ही कहा, लगातार सोशल मीडिया पर एक बार फिर जंग छिड़ चुकी। लेकिन सूबे के मुखिया क्या चाहते हैं, सत्ता क्या चाहती है, इसी को लेकर मरुधर बुलेटिन लगातार खबर आपको दिखाता रहेगा, क्योंकि 2018 से लेकर आज तक सचिन पायलट गुट के विधायक न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार एसटीएससी के विधायकों का यह कहना है कि यहां एसटीएससी को तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर है कि अब 13 विधायक और 6 बसपा विधायक के आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो जरूर नहीं मिल रही है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, किसी और प्रोग्राम को लेकर रहूंगा जल्द आपके साथ। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।